फूलपुर भारतीय डाक विभाग की ओर से मंगलवार को फूलपुर उप डाकघर परिसर में प्रवर अधीक्षक डाकघर योगेंद्र मोरे की अध्यक्षता में ग्रामीण डाक सेवकों की समीक्षा बैठक हुई। टारगेट पुराना होने पर शाखा डाकपालों को प्रवर डाक अधीक्षक ने कड़ी फटकार लगाई और चेतावनी दी कि 20 दिसंबर तक यदि टारगेट पूरा नहीं किया गया तो संबंधित के साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिन शाखा डाकपालों ने टारगेट पूरा नहीं किया उन सभी शाखा डाकपालों की क्रमवार क्लास ली। अनुपस्थिति रहने वाले शाखा डाकपालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डाक निरीक्षक बसंत कुमार से सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कहा कि हर हालत में टारगेट पूरा करना है, अच्छे कार्य करने वाले ग्रामीण डाक सेवकों को जिला मुख्यालय पर पुरस्कृत किया जाएगा। शाखा डाकपाल अपने डाकघरों में SB, RD, TD, सुकन्या खाता और ग्रामीण डाक जीवन बीमा का कार्य अधिक से अधिक करें। अब सुकन्या खाता 250 रुपए से खोल सकते हैं। भारतीय डाक विभाग का बहुत बड़ा नेटवर्क है। 50 लाख तक का बीमा आयकर से मुक्त किया गया है। बैठक के दौरान कुछ शाखा डाकपालों ने लेखा कार्यालय से समय रहते पासबुक प्रिंट न किए जाने की शिकायत दर्ज कराई। इस पर प्रवर अधीक्षक ने उप डाकपालों को अन्य नजदीकी डाकघरों से संपर्क कर पासबुक प्रिंट करवाकर शाखा डाकघरों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, जिससे कि आम जनता कार्य बाधित न हो, इसमें शीतलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि फूलपुर डाकघर में शीघ्र पुराने बंद पड़े आधार बनाने कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए स्थानीय डाक निरीक्षक बसंत कुमार को व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर डाक निरीक्षक बसंत कुमार, उप डाकपाल ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा, डाक सर्वेक्षक शतरंज यादव, अमित कुमार सहित ग्रामीण इलाकों के शाखा डाकपाल मौजूद रहे। आज की बैठक डाक विभाग के जो व्यवसाय है उसको बढ़ाने के संबंध में हमने सभी शाखा डाकपालों को यहाँ पर बुलाया है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य है इस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो भारत सरकार का नारा है, उसी के संबंध में आज ये मीटिंग आहूत की गई है। इसमें हम सभी अपने डाक विभाग के कर्मचारियों से आह्वान करते हैं कि आप लोग गांव में घर घर जाएं और जो 10 साल या उससे नीचे की बेटियां हैं उनका खाता खोलें, और इसके अलावा भी अन्य ग्रामीण लोगों से सेविंग बैंक खाता खोलने के लिए, RD खाता खोलने के लिए तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा, डाक जीवन बीमा, इन सब कार्य को करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। हम लोग डाक विभाग का एक इस समय महाअभियान चलाया जा रहा है ताकि जो हमारी डाक विभाग की सेवाएं हैं उसका हमारे ग्रामीण डाक जो ग्रामीण के ग्रामीण जनता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। सर, आजमगढ़ की स्थिति क्या है? किस संबंध में? आजमगढ़ की स्थिति काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर खाते भी खुल रहे हैं और सुकन्या खाता भी अच्छी तरह से खुल रहा है। इसके अलावा भी हमारे डाक विभाग के बहुत सारे कार्य हैं, जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक ऐसा बैंक है जो पूरे देश में एक साथ लॉन्च हुआ था, उसके माध्यम से हमारे ग्रामीण डाक सेवक हैं इनको माइक्रो ATM दिया गया है। ये गाँव में ग्रामीण जनता को बैंक में किसी भी बैंक में अगर कोई खाता उपलब्ध है तो उसका अगर वो धनराशि निकालना चाहते हैं तो उनके घर पर ही निकालने की सुविधा डाक विभाग माइक्रो ATM के माध्यम से दे रहा है। इससे हमारी ग्रामीण जनता के अलावा हमारी शहरी जनता भी इसका भरपूर लाभ उठा रही है। सर, क्या टारगेट सभी लोग पूरा कर रहे हैं? टारगेट ज़्यादातर लोग पूरा कर रहे हैं, जो टारगेट पूरा नहीं कर रहे हैं उनको आज स्पेशल रूप से यहाँ पर बुलाया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये भी अन्य लोगों की तरह अच्छा कार्य करेंगे और डाक विभाग का नाम रोशन करेंगे।